कि अगर किसी को पता चल जाए ना कि गर्भ में बेटी है, लोग बाग माता सिर पकड़ पकड़ के बैठ जाते हैं, भगवान हमने तो छोरा मांगा था और छोरी हो गई। लड़का होता है जब बेटा होता है तो फोन कर करके रिश्तेदारों को बताते हैं वाकई तो छोरो या छोरो, फोन कर करके रिश्तेदारों को बताएंगे क्या हुआ साहब, अरे माँ के तो छोर हो यो साहब छोर हो। और छोरी होती हो बेटी हो जाए तो दूसरों को फोन करना पड़ता है, अरे क्या हुआ तुम्हारे, तो ऐसे बोलेंगे क्या बताएं छोरी हुई है, मुंह ऐसा बनाते हैं जैसे छोरी नहीं हुई हो, घर में चोरी हो गई हो, छोरी हुई। पर याद रखिएगा ओस की बूंद की तरह होती है बेटियां, स्पर्श यदि खुदरा हो तो रोती है बेटियां, अरे बेटे तो करते हैं एक कुल को रोशन लेकिन दो दो कुल को रोशन करती है बेटियां, दो दो कुल को रोशन करती है बेटियां। जिनके घर में बेटी हो ना, कहते हैं जिसके घर में बेटी होती ना वो पिता पिता नहीं होता, वो पिता उस घर का राजा होता है महाराज। ये आजकल के लोग बड़ी मजाक उड़ाते हैं ना, पापा की परी पापा की परी, तो सुनिएगा परियां पालने की औकात हर किसी में नहीं होती, तो जिस घर में बैठी है उस घर का पिता राजा होता है महाराज। क्योंकि कहते हैं जिसका एक भाग्य अच्छा होता है ना उनके घर में बेटे का जन्म होता है, और जिसके पूरे सौभाग्य अच्छे होते हैं उनके घर में बेटी का जन्म होता है। इसीलिए कहते हैं कि बेटा भाग्य से होता है और बेटियां सौभाग्य से होती है महाराज। तो बेटियों को कमजोर मत मानिए, ये समाज ये दुनिया आजकल की जो बेटियों को कमजोर मानती ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। कहीं कहीं जगह जब हम कथा कहने जाते हैं तो बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं हमारे पास आती है, महाराज बाकी तो सब बढ़िया है, बहुत सारी माताएं आकर कहती है महाराज जी धन है दौलत है सब चीज बढ़िया है पर बेटा नहीं है पोता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद इनके घर में इनकी बहू के एक भी बेटा बेटी नहीं होगा, तो हम उनसे पूछते हैं क्या घर में कोई नहीं है, अभी तक एक भी संतान नहीं हुई, बोले क्या बताएं छोरियां तो पांच है पर छोरा एक भी नहीं है। तो मुझे इतना बुरा लगता है, मुझे ऐसा लगता है मतलब उन पांच का होना ना होना बराबर है। कोई आज तक आकर के मुझे ये नहीं बोला कि महाराज बेटी नहीं है, याद रखिएगा ये बेटे होते हैं ना, सच्चाई मैं ये नहीं कह रही कि सब बुरे होते हैं, 100 में से 5% मान लो, 100 में से 5% बेटे इतने बढ़िया होते हैं जो अपने माँ बाप की बड़े दिल से सेवा करते हैं कि माँ बाप खुश होकर बच्चों को इतने बढ़िया आशीर्वाद देते हैं। लेकिन बेटियां विवाह भी हो जाएगा ना, मंदिर में भी जाएगी ना भगवान के, तो सबसे पहले एक चीज मांगेगी क्या, ससुराल में भी रहेगी ना तो भी मंदिर में जाकर के पहली प्रार्थना यही होती है कि हे मेरे भगवान हे मेरे ठाकुर जी मेरे माता पिता को हमेशा खुश रखना। इसलिए कहती हूँ कि बेटियां हो जाए तो दुख मत मनाना, बेटियां हो जाए तो कभी कोने में बैठ करके रोना मत, क्योंकि अगर आपको बेटी दी है भगवान ने तो आप बहुत सौभाग्यशाली है महाराज। कभी भी बेटी होने का दुख मत मनाओ, ये